अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने तरन तारण के सरहाली थाने ते हुए राकेट लांचर हमले तो बाद आम आदमी पार्टी की सरकार नु निशाने ते लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब 6 महीनों के दौरान पुलिस की इमारत से राकेट लांचर नाल अज दूजा हमला होया है। यह सारा कुछ अमन कानून कायम रखण विच सूबे की आम आदमी पार्टी की सरकार की असफलता ते नलायकी ते नारको अतवाद नु मुड़ सिर चुकन देने की खुल दा नतीजा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं स्थिति की गंभीरता नूं समझना चाहिंदा है अते फैलदी जा रही अराजकता नूं रोकण दे लई ठोस कदम चुकने चाहीदे ने। इस तों इलावा उन्होंने एक बार बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग पीएम नूं कीती। उन्होंने कहा कि जदों मनुखी अधिकारां दे सिधांतां नूं जपदे होए बिलकिस बानो दे बलात्कारियां अते साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी दे कातलां नूं रिहा कीता जांदा तां भारत सरकार साडे उन्हां बंदी सिंघां लई हमदर्दी क्यों नहीं रखदी जो अपनियां सजावां पूरियां करन दे कई सालां बाद हाले वी जेलां विच बंद ने। अगे वह कहते हैं कि अज जो सारा विश्व मनुखी अधिकार दिवस मना रहा है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनती करता हाँ कि वह भारत सरकार को साल 2019 गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब के किए गए ऐलान लागू कर बिना किसी देरी दे उन्हें जेलों चो आजाद करने के हुक्म जारी कर नहीं तो साढ़े लिए यह दिन मना का कोई मतलब नहीं।